लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे और हम मैनेज कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। और उस समय लीजिए जिस समय वो सस्ती होती है, 40 रखें तो ठीक है, नहीं तो 30% पैसा तो आप बचा करके रखेंगे। साथियों नमस्कार, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 100% पालन करनी ही होगी, अन्यथा आप लंबी दूर तक नहीं जा पाएंगे, यानी डेयरी फार्मिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए कौन कौन सी बातें हैं, जरूरी बातें, आधारभूत 10-11 चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें से पहली यह है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना ही चाहते हैं तो आप पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आप तैयार हैं। इसमें आपको समय देना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग को एज ए साइड बिजनेस के तौर पर करते हैं, या वो सोचते हैं कि मैं अगर नहीं भी गया, कैमरे लगा लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे और हम मैनेज कर लेंगे। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भावना से जुड़ा हुआ एक विषय है। आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो मशीन नहीं है, वो पशु है, आपको उनसे लगाव रखना पड़ेगा, तभी आप डेयरी फार्मिंग में सक्सेस हो पाएंगे। ये जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं, बहुत सारे इश्यूज है जो आपको जकड़ के रख देंगे। इसीलिए पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि हाँ मैं अपने फार्म को संभालने के लिए तैयार हूँ। अगर आप साइड बिजनेस भी करते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार आपको विजिट करनी पड़ेगी। एक बार विजिट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आपके पास ऐसा कोई भरोसेमंद साथी हो जो इस काम को कर सके, तभी आप अपने आप को तैयार कीजिए। अदरवाइज़ जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तो पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप पशुओं में लगाव है, क्या आप समय दे पाएंगे, क्या आप तैयार है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी जो चीज है, अब आप तो तैयार है लेकिन क्या आप में नॉलेज है या नहीं है। परंपरागत तरीके से जो पशुपालन चलता था, घर पे 1 या 2 पशु रखते थे, वो पूरा का पूरा मैटर अलग था। उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ हमारे घर पे उपलब्ध होता था, वो पशुओं को खिला देते और चल जाता था। लेकिन अगर आप व्यवसायिक डेयरी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नॉलेज हो। अब ये नॉलेज आपको कहाँ से आएगा? नॉलेज आएगा आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग्स 2 प्रकार की होती है, एक नॉलेज के लिए होती है, एक प्रैक्टिकल के लिए होती है। तो आप दोनों ही प्रकार की ट्रेनिंग लीजिए। नॉलेज के लिए ट्रेनिंग कौन सी होगी जिसमें A to Z आपको नॉलेज मिल जाए, जैसा कि अगले महीने से हमारे चैनल कमेटी द्वारा शुरू हो रही है रामावत एनिमल ऐप पर पूरी ट्रेनिंग A to Z वाली। तो ऐसी कोई ट्रेनिंग ले लीजिए, या आपके नज़दीक में जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं हैं, वहाँ पर जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो A to Z कंप्लीट ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 प्रैक्टिकल। ट्रेनिंग से काफ़ी हद तक, हम तो क्या है प्रैक्टिकल सारा पैनल पे करवा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्या होता है, लेकिन आपको अपनी आंखों से देखना जरूरी होता है। या तो पैनल पे देखिए या फिर किसी फार्म पर जाकर के आप अपनी आंखों से देखिए कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं। यानी आपको कंटिन्यूसली कई फार्म विजिट भी करनी चाहिए। पहले डेयरी फार्मिंग की सोचता है ना, उसी समय आप फार्म विजिट कीजिए, अदरवाइज भाई मामला मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आप जानकारी लीजिए या तय कीजिए कि आपको किस नस्ल पर काम करना है, गाय पर काम करना है या भैंस पर काम करना है। ये बहुत सारे पहलू है जो आपको उलझा के रखेंगे कि गाय लें भैंस लें। तो वहाँ पर आपके यहाँ पर डेयरी में अगर दूध जाता है फैट के लिए जाता है तो भैंसें अच्छी हैं, अगर आप सप्लाई देते हैं शहर में देते हैं गांव में देते हैं तो गाय अच्छी है। इस तरीके से बहुत सारे पहलू है, मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, बहुत सारे पहलू है जिनको देख करके आप पहले गाय और भैंस का डिसाइड करें। फिर जब गाय का भैंस का डिसाइड हो जाता है फिर आप नस्ल का डिसाइड करें कि मैं किस नस्ल पर काम करूंगा। ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं वही ले लो वही ले लो, हो सकता है ये ठीक हो सकता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको परफेक्ट अपना मोटो निर्धारित करना पड़ेगा। उसके बाद आती है बात जमीन की, कि आपके पास जमीन कितनी है, जमीन कहाँ है, वो डेयरी फार्मिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं है, अनुकूल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। क्योंकि जब डेयरी करेंगे तो हरे चारे की जरूरत पड़ेगी, हरा चारा जमीन में होगा, या फिर हरा चारा नहीं तो भाई साइलेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गाय की करते हैं तो साइलेज की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर भी साइलेज की उपलब्धता देखी जाएगी। इसके अलावा पानी प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि पानी बहुत बड़ी चीज़ है, पानी के बगैर तो कुछ संभव है ही नहीं। तो पानी पर्याप्त है या नहीं है, कैसा पानी है,
अच्छा पानी है या नहीं है, बिजली की सुविधा है या नहीं है, या फिर आवागमन के साधन भाई है कि नहीं, ऐसा ना हो कहीं डीप में बना करके छोड़ दिया तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो आपको जमीन की तरफ भी देखना पड़ेगा कि आपके पास जमीन की उपलब्धता किस प्रकार की, तो इसको भी लीजिए। इसके बाद फिर आती है बात मार्केटिंग की, भाई आप मार्केटिंग, जमीन कहाँ है, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्या आप गाँव में दूध देंगे तो किस तरीके से देंगे, जो दे रहे हैं उनका अनुभव लीजिए। इसके अलावा क्या आप शहर में दूध सप्लाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जो कर रहे हैं उनका अनुभव लीजिए। या फिर आप किसी समिति में दूध देंगे, किसी सोसाइटी को दूध देंगे, तो आप वो निर्धारित कर लीजिए पहले से ही कि मुझे क्या करना है, ये पहले से ही तय कीजिए, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई भाइयों को हम देखते हैं कि बहुत ही लंबा चौड़ा तगड़ा शेड बना लिया। अगला पॉइंट मैं शेड का ही लेने वाला हूं। तो अगर हम शेड की बात करें तो शेड शुरुआत में हमें छोटा बनाना है, कितने पशु आप लाते हैं उसके हिसाब से शेड बनाना है। एक साथ बहुत ज्यादा खर्चा अगर आप शेड में कर देते हैं तो भाई बहुत बड़ी परेशानी आपके साथ आ सकती है। इसीलिए शेड हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, यानी वहां पर ये आप मानिए कि अभी आप जितने पशु लाए, जैसे शुरुआत में आप 5 पशु लाए तो आपके पास 10 या 20 का शेड उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं 50 का बना करके रख दिया फिर मैं धीरे धीरे करूंगा, नहीं, आप ऐसी संभावनाएं रखिए कि उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जा सके। और शेड बनाने के जो भी प्रोटोकॉल है उनको पहले से ही फॉलो करके रखिए, यानी एक मैप आपकी जमीन के हिसाब से, एक मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, उसी के हिसाब से धीरे धीरे करके और आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि भाई एक साथ ही आपने बहुत लंबा चौड़ा काम कर दिया। शुरुआत में जब भी आप जैसे 5 पशु ला रहे हैं, भाई 10 पशु की डेयरी करेंगे, अभी मैं खरीद में बताऊंगा, तो आप 5 पशु ला रहे हैं तो आपके पास 15 या 20 का अगर शेड है तो वो स्टार्टिंग में पर्याप्त है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। हाईटेक करना चाहते हैं आप, धीरे धीरे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा जो भी सामग्री आपको चाहिए वो सामग्री खाद्यान्न के रूप में हो सकती है, फीड के रूप में हो सकती है, तो वो सामग्री हो सकती है मशीनरी। तो जो भी आपको सामग्री चाहिए उसके लिए पहले से ही तैयार रहिए कि मुझे इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मशीनरी में खर्चा करना नहीं है स्टार्टिंग में, मैनुअल काम पर आप ज्यादा जोर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सस्ती मशीन जो भी आपको मिल रही है वो आप एक बार के लिए मैनेज कीजिए और काम को शुरू कीजिए। सामग्री जो भी आप खरीद रहे हैं, चाहे वो चारा है, चाहे वो दाना है, चाहे वो खली है, वहाँ से लीजिए, एक साल की आप एक साथ लीजिए और उस समय लीजिए जिस समय वो सस्ती होती है। यानी ये चीज़ें आपको पहले से ही तय करनी पड़ेगी, कहाँ पे मुझे सस्ती मिलेगी, कहाँ मुझे जाना चाहिए, किन किन से सलाह लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पहले ही तय करनी पड़ेगी। इसके बाद बात आती है खरीदने की, भाई खरीदने का भी एक विशेष प्लान होना चाहिए, विशेष समय होना चाहिए। अक्सर हम जो बताते हैं सभी को वो ये कहते हैं कि आप सितंबर अक्टूबर के महीने में आप खरीदिए पहला लोट, 2 लोट खरीदने होते हैं और 2 लोट खरीदने का जो समय होता है पहले लोट का आप सितंबर अक्टूबर में खरीदिए, दूसरा जो है वो आप फरवरी मार्च में खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 2 बार आपको खरीद करनी रहेगी और दोनों बारों में ये ध्यान रखें, पहली बार आपने टारगेट क्या लिया, शुरुआत करेंगे 10 पशु से, तो इसका मतलब आप सितंबर अक्टूबर में 5 पशु खरीदोगे और उन्हीं से आप अपने डेयरी को स्टार्ट करोगे, उन्हीं पर आप मैनेज करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप डेयरी जो है वो खरीदने का प्लान इस तरीके से कीजिए, नहीं तो फिर एक साथ अगर आपने खरीद लिया फिर दूसरे खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है या कोई प्रॉब्लम दूसरी हो गई है तो भाई फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो खरीदने का भी आपको विशेष प्लान बनाना पड़ेगा और जहाँ से खरीद रहे हैं अच्छा पशु खरीदना है, खरीद बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर अच्छा पशु नहीं खरीदा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पशु ही है जो आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो भाई पशु अच्छा खरीदीजिए, उसकी नस्ल को अच्छा देखिए, आप जहाँ पर भी खरीदने जाते हैं अच्छी तरीके से उसको जांच कीजिए, 2-3 बार उसकी मिल्किंग कीजिए, उसके साथ रहिए, यानी समय देना पड़ेगा फिर खरीद, क्योंकि खरीद ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाद में तो हम जो आपको तरीके बताएंगे उनसे आप अच्छा घर पे ही मैनेज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में तो आप अच्छी चीज़ खरीदेंगे तभी काम हो पाएगा। अब सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ एक बिंदु जो मैं आगे ले लेता हूँ और वो अगला पॉइंट है पैसे का। जी हाँ, आप इकोनॉमिकली कैसे हैंडल करेंगे, पैसों का आप कैसे हैंडल करेंगे, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कई कहते हैं पूरा का पूरा हम लोन ले लेंगे और लोन के ऊपर काम कर लेंगे, कई प्राइवेट कंपनियां लोन देती है तो भाई बड़ी भारी समस्या हो जाती है,
फिर लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक साथ ज्यादा लोन लेकर के किसी के बहकाव में, दलालों के बहकाव में आकर के ज्यादा खर्चा कर दिया जाता है और फिर समस्याएं बढ़ जाती है। इसीलिए जहां तक हो सके लोन से बचे। अगर आप लोन लेना ही चाहते हैं तो किसी सरकारी संस्था से लीजिए। सरकारी संस्था से अगर आप लोन लेंगे तो भाई आपको फायदा होना तय है, और अदरवाइज आप लोन को कम अहमियत दीजिए। घर पे ही कोशिश कीजिए मैनेज करने की। जितना पैसा आपने लगाने का सोचा है उसमें से स्टार्टिंग में पशुओं की खरीद पर आप 40% पैसा लगाइए और 20% पैसा आप लगाइए दूसरी चीज़ों पर, मैनेजमेंट पर। यानी आपने अभी भी 30 से 40, अगर 40 रखे तो ठीक है, नहीं तो 30% पैसा तो आप बचा करके रखेंगे, ताकि भाई 40% रहेगा तभी तो आगे की खेप आप खरीद पाएंगे। 5 पशु पहले खरीदा, 5 पशु आप बाद में खरीद पाएंगे, और कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा भी चाहिए तो पैसों का जो हिसाब किताब है उसको बना करके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि सारों का ही सेट बना लिया, लगभग सेट बना लिया, फिर गायों के लिए पैसे कम पड़ गए, गायों की पहली खेप आ गई तो दूसरी खेप के लिए पैसे कम पड़ गए, फिर नतीजा लोन लेना पड़ा, किसी भाई से लेना पड़ा या फिर कहीं से कर्ज लेना पड़ा, तो भाई फिर मामला बहुत बड़ा, क्योंकि कर्ज जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसीलिए ये चीज़ भी आपको सोचनी पड़ेगी कि कर्ज आपको कम से कम कोशिश कर दी, कर्ज लेना ही नहीं है, अपने पास जो पैसे हैं उन्हीं को मैनेज करना है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो ये है कि जहाँ तक हो सके आप जो लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं विश्वास पात्र होनी चाहिए। लेबर से कम, आप लेबर से काम तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे लेकिन लेबर कम रखें तो फायदा होगा, खुद या परिवार के सदस्य। अगला पॉइंट भी मेरा यही है कि आप घर के सदस्यों के सपोर्ट से काम करें। अगर पूरे परिवार के सदस्यों के सपोर्ट से काम करते हैं ना तो बहुत ही शानदार रहता है। अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरे काम पे जा रहे हैं, तो पीछे से घर का सदस्य मौजूद होना चाहिए जो आपकी डेयरी को संभाल सके। तो क्या आपके पास सदस्य हैं? क्या आपके पास अच्छी लेबर की उपलब्धता है जो अच्छा काम कर सके, जो आप कहे वो कर सके, अच्छा ध्यान रख सके? भाई ये बहुत सारे बिंदु हैं, और भी कई चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी बिंदुओं पर मैं डिटेल से आपको समझाऊं तो एक वीडियो ऐसा लेके आऊँगा अलग अलग बिंदु पर कि इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करें, नॉलेज को कैसे करें, पैसों का कैसे करें, सेट का कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, और बाद में जब ये अच्छा चलने लग जाए फिर हमें प्रोडक्ट की सोचनी पड़ेगी कि क्या हम दूध ही बेचते रहेंगे या और क्या क्या संभावनाएं हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं डेयरी से, तो वो भी हम सोचेंगे और बहुत ही शानदार डेयरी चलाएंगे। लेकिन ये बिंदु याद रखना। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।